पुलिस ने तीन बार पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन एरर आने की वजह से पैसे नहीं निकले और एरर बताया, जिस पर परिवादी ने बैंक में जाकर के शिकायत की। बैंक से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जवाहर रंगमंच के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में एरर आने के बाद उपभोक्ता के निकले 45,000 रुपये। पुरानी मंडी निवासी परिवादी गोविंद शर्मा ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई धोखाधड़ी की रिपोर्ट। 9 अप्रैल को पुरानी मंडी निवासी परिवादी गोविंद शर्मा ने सिविल लाइंस थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि 6 मार्च को उसने अपने मित्र अजय वर्मा को एटीएम देकर जवाहर रंगमंच के पास बीओबी के एटीएम में भेजा था, जहां अजय वर्मा द्वारा 3 बार एटीएम में पैसे विड्रॉल की कमांड दी गई, लेकिन हर बार एरर आ गया, जिसकी शिकायत बैंक में जाकर की गई तो बैंक वालों ने कोई सहायता नहीं की। इसके बाद उसी दिन उसके अकाउंट से 3 बार में 15,000 रुपये यानी कुल 45,000 रुपये विड्रॉल होने का मैसेज उसके मोबाइल पर आ गया। अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की घटना के बाद उसने सिविल लाइंस थाने में मामले की तहकीकात कर रुपये वापस दिलवाने की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने के ASI चांद सिंह ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट पर IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। को परिवादी श्री गोविंद शर्मा निवासी पुरानी मंडी अजमेर ने उपस्थित थाना होकर के थाना आजा पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि दिनांक 6/4/22 को परिवादी ने अपने मित्र अजय वर्मा को BOB ATM जवाहर रंगमंच के पास पैसे निकालने के लिए ATM देकर भेजा था, जिसने 3 बार पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन एरर आने की वजह से पैसे नहीं निकले और एरर बताया, जिस पर परिवादी ने बैंक में जाकर के शिकायत की। बैंक से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी दिन 6/4/22 को परिवादी के ATM से 3 बार में 15,000 रुपये करके निकल गए, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर अनंत श्रृंगार किया जा रहा है। रकम 15,000 रुपये 3 बार ट्रांजेक्शन हुआ। ये BOB जवाहर रंगमंच ये 420 नहीं, आरोप अभी ये अनुसंधान के है, विषय है, इस पर आरोप होता है, 420 दर्ज है।